सारे सवाल आते हैं। आज हमारी जो पूरी टॉपिक है इस संस्था से जुड़ी हुई है और हम कोशिश करेंगे आज के हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को विधि रूप से पढ़ें। और आप लोग इस वीडियो का अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेगा क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं संसद की तो आज फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज के जो हमारे टॉपिक है उसका नाम संसद है। ठीक है, तो संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। इस वीडियो के अंदर कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संसद, अगर भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संसद की विधायिका है, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। इसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में लिखा गया। अगर हम बात करें इसका जिक्र भाग 5 अध्याय 2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा जितने भी साथी मित्र हमारे साथ वीडियो में बने हैं वे सभी हमारे साथ नोट्स भी बनाते जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो इसका जिक्र है ये अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक हमारी संसद है। अगर हम बात करें 1935 के जो भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद का नाम दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। कब? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में दो सदन होते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, वोट देती है, और यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता करती है, यह एक अस्थायी सदन है, माने 5 वर्ष के बाद यह भंग हो जाती है, फिर से नई लोकसभा का चुनाव होता है। दूसरी तरफ लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता। ये कुछ अहम और महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हम लोगों ने क्रमवार रूप से आपके साथ पढ़ लिया। अगर हम बात करें कि संसद का जो जो प्रमुख तथ्य है कि संसद के सत्र कितने होते हैं, संसद का गठन कैसे होता, इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस टॉपिक में तो हमारे सामने कई बिंदु आते हैं। संसद का जो गठन है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी होगी। जी हाँ, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होंगे, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति हो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और न ही वह संसद की संसद में बैठता है, वह संसद का अभिन्न अंग तो जरूर होता है, वह संसद में बैठता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वह संसद का सदस्य भी नहीं होता। आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये भी जान लेंगे संसद के 3 सत्र होते हैं। जी हाँ, अगर आपको शायद पता होगा तो ठीक है, वरना हम संसद के सत्र की बात करें तो जो संसदीय सत्र होता है वो संसद सत्र 3 अधिवेशन होते हैं। पहला बजट सत्र फरवरी मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। माने बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं और 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बाद हम इसके तथ्य की तरफ बढ़ेंगे। राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन के 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किंतु जो राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में बांट दिया जाता है, मतलब जब बजट का अधिवेशन होता है तो राज्यसभा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसलिए इन 2 अधिवेशनों के बीच लगभग 3 से 4 सप्ताह का एक गैप हो जाता है, अवकाश हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा को 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, वहीं लोकसभा के देखा जाए तो 3 अधिवेशन होते हैं। इसमें भी एक आता है लिम्डक सत्र, तो मैं चाहूंगा कि यहां पर मैं आपको जिक्र कर लूं कि लिम्डक सत्र क्या होता है। कितने लोग जानते हैं लिम्डक सत्र? वैसे संसद के 3 सत्र होते हैं, ऊपर हम लोगों ने बता दिया, शायद आप लोग को पता हो गया, संसद के 3 सत्र होते हैं।
तीनों सत्र का नाम लिख लीजिएगा। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और जो तीसरा होता है शीतकालीन। सभी लोग लिख लीजिएगा, शीतकालीन। वीडियो को शेयर करेंगे निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राजचित में शीतकालीन। एक और होता है लेमडक सत्र, कितने लोग जानते हैं लेमडक सत्र के बारे में? ये लेमडक सत्र क्या होता है? नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए जो बैठना होता है वो लेमडक सत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब नई लोकसभा के चुनाव के पश्चात पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना लेमडक सत्र कहलाता है। इस बैठक में शामिल जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए होते हैं उन्हें हम लेमडक कहते हैं या लेमडक कहा जाता है। माने इस बैठक में शामिल जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं उन्हें हम लेमडक के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है। इसमें सदन की जो समाप्ति होती है, सदन की जो समाप्ति होती है तीन तरह से होती है। सदन की समाप्ति की बात करें, सदन की समाप्ति, सदन की सभी लोग लिख लीजिएगा क्योंकि आपके काम का है। सदन की जो समाप्ति होती है ये भी तीन तरह से होती है। इन तीनों के भी नाम हम क्रमवार से लिख दे रहे हैं। पहले विघटन होता है, विघटन। दूसरा अगर हम बात करें सत्रावसान होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है सत्रावसान। और तीसरा जो होता है स्थगन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर ले। विघटन क्या होता है इसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले इसके अन्य टॉपिकों को भी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे अगर पूछा जाता है कि सर विघटन क्या है, तो याद रहे जब भी हम विघटन की बात करते हैं हमारे मन में आपके दिमाग में आता है कि मतलब विघटित हो जाना, भंग हो जाना। माने केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। अभी हमने देखा कि लोकसभा भंग की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन राज्यसभा कभी भी इसका विघटन नहीं होता। तो जो विघटन होता है यह हमेशा केवल लोकसभा का ही होता है, यह हमेशा लोकसभा का ही होता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर 5 वर्ष की अवधि के समाप्ति पर या आपात बंद के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, माने जब एक कार्यकाल पूरा हो जाए तब लोकसभा का विघटन होता है। एक प्रकार हो गया विघटन का। दूसरा भी होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 85(2) के शक्ति का जो प्रयोग करे, मतलब जो विघटन में विद्यमान लोकसभा के जीवन काल का अंत हो जाता है, जिसमें सदन के समक्ष लंबित सभी विषय विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। समझिएगा ध्यान से, जो भी लोकसभा के जीवन काल का अंत हो जाता है यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें सदन के समक्ष जितने भी लंबित विषय विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। यदि इन विषयों को आगे बढ़ाना है तो नए निर्वाचन के पश्चात आगामी सदन में पुनः रखना होगा। लोकसभा के विघटन का प्रभाव विधेयकों पर भी पड़ता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब कहेंगे सर विधेयक पर कैसे पड़ता होगा, क्या आपके भी मन में आया कि सर ठीक है ये हम तो समझ में आ गए, लेकिन विघटन का प्रभाव कैसे पड़ता होगा? देखिए, जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है और सदन भंग विघटित हो जाए तो विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वे भी समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित है तथा लोकसभा द्वारा पारित ही नहीं किए गए हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। यदि कोई विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया है तो वह भी समाप्त हो जाता है। जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था वह समाप्त नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया तो वह समाप्त नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाने के आशय से सूचना दे दी गई हो वह विधेयक भी समाप्त नहीं होता। मतलब कोई विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाना चाहता है वह भी समाप्त नहीं होता। लोकसभा के विघटन के समय उसके पास जो भी प्रस्ताव संकल्प या संशोधन लंबित होते हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा के विघटन के समय उसके पास जो भी प्रस्ताव संकल्प संशोधित लंबित होते हैं जिसे राष्ट्रपति ने नहीं पारित किया वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और आप चाहते हैं इसके स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। सत्रावसान क्या होता है,
संसद के किसी सत्र का समाप्त होना 17वें सदन के पीठासीन अधिकारी जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं उनके द्वारा होता है। अब आपके मन में आता होगा कि जो 17वें है वो तो लोकसभा अध्यक्ष करता होगा, जी नहीं, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17वें घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह सत्र के दौरान ही 17वें घोषित कर दे, वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। अस्थगन क्या है? माने अस्थगन का मतलब है सदन की बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। माने अस्थगन का मतलब है कि सदन की बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। तीसरा हम लोग बात कर रहे तीसरे पे, मतलब सदन को स्थगित करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है, अर्थात जो लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा में तो राज्यसभा का अध्यक्ष। स्थगन द्वारा पीठासीन अधिकारी का मतलब यही होता है, लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का पदेन सभापति। स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनट, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर नहीं पड़ता, केवल 17वें का ही पड़ता है, सॉरी विघटन का ही पड़ता है। जब विघटित हो जाती है तब किसी भी लंबित विधेयक का समाप्त हो जाने का कारण पड़ता है। एक एक करके हम आगे चलेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम थोड़ी सी बात संसद को लेकर कर लेते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद दिया गया। संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 1954 अगस्त से पहले अगर बात करें, पहले लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहते थे। हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा का मतलब है जनता का सदन, इसे हम आम सदन के नाम से भी जानते हैं। इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, साथ ही साथ इसे लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है और प्रथम सदन भी कहते हैं। दूसरा, राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। राज्यों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है और दूसरा सदन कहा जाता है। इसे दूसरा सदन कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये संसद जो है ये आपको समझ में होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया है और यहीं पर आप सभी ने संसद के बारे में पढ़ा होगा, संसद के बारे में जाना होगा। और संसद के दो प्रमुख सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो दोनों का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इस पर भी बात करेंगे, कैसे कोई विधेयक कानून बनता है, इन सभी तथ्यों पर, सभी पर टिप्पणी करेंगे एक एक करके, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूरत पड़ने पर करते चले। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं ना, ये दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सब लोग जुड़िएगा। दुर्गेश सर सर्च करने के बाद जब टेलीग्राम पर जुड़ेंगे वहां पे सभी वीडियो और इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। और फेसबुक पर ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश। आगे चलते हैं, इन सभी की नोट्स आपको निःशुल्क घर बैठे मिल जाएगी। अब लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। माने जो राज्यसभा है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो लोकसभा है ये संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके एमसीक्यू सीरीज को पढ़ेंगे तब हम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करके समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा। वैसे राज्यसभा को एक अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दोबारा, और लोकसभा को एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी संसद के अंग के रूप में पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम इसे अच्छे से जानने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। मानेगा राज्यसभा का गठन कहां लिखा गया है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत लिखा गया। इसका एक अनुच्छेद आता है, देखिए सरल स से हो गया संसद। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 79, अगर रस राज्यसभा की बात करें अनुच्छेद 80, ल से लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81। तो ये हो गया राज्यसभा संसद हो गया, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया आपका लोकसभा। ये तीन अनुच्छेद भी हो सकता है आपके काम आ जाए, ठीक है, ये अनुच्छेद है आपके आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन परंतु वर्तमान में यह 245 है। 245 कैसे? 233 का निर्वाचन होता है प्लस 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान,
कला समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। इस प्रकार इनकी जो संख्या है वो 245 अधिकतम 250 है। प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे इनका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 31 है, जो आपके लिए काफी अहम काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए टॉपिक की तरफ, अगले पेज की तरफ। राज्यसभा में सदस्य होने की अर्हता, अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनने चाहते हैं क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो और वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा के सदस्य के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य की अगर हम बात करें, विधान जिन राज्यों में है परिषद के सदस्य की उम्र सीमा की अगर हम बात करें, यहां पर भी 30 वर्ष ही है, यहां पर भी क्या है 30 वर्ष है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो यह भी जानते रहेगा, वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मानसिक ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कई बार कि उनके तुम्हें कौन भंग हो सकती है, कौन नहीं भंग हो सकती, इस तरह से घुमाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदन 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। माने इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का, विधान परिषद के सदस्यों का, इनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और फिर 1/3 का निर्वाचन भी प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ध्यान देने वाली बात है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन उस सदन के सदस्य नहीं होते। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने ये पूरे नोट्स से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा इस नोट्स को अपने पास सुरक्षित रख लें और यहां से आपके परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उन सभी सवालों के लिए नोट्स काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप सभी के लिए। आगे हम बात करें राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाने। मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो मैंने उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में इसको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य की अगर हम बात करें तो गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों में सहमति के बाद ही कानून बन पाते हैं, माने राज्यसभा लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो उसके बाद पास होने के बाद राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, मतलब राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव रखा जाए पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, यदि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया वो विधेयक कानून हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई विधेयक लोकसभा में रखा जाए फिर राज्यसभा में, अगर राज्यसभा पारित ना करे तो विधेयक खत्म हो जाएगा। अगर राज्यसभा विधेयक को पारित करती है और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो वह कानून बन जाता है। अगर दोनों सदनों में से किसी एक ने अगर किसी विधेयक को पारित नहीं किया तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। चाहे संविधान संशोधन की बात की जाए, चाहे कानून बनाने की बात की जाए, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां आपस में बराबर है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। माने अगर धन विधेयक के बारे में माना जाए तो धन विधेयक के समय में राज्यसभा का सुझाव दे सकती है, माने किसी विधेयक को 14 दिन से ज्यादा समय के लिए अपने पास नहीं रह सकती और उसे 14 दिन के अंदर पारित करना अनिवार्य है। अगर नहीं पारित करती है तो माना जाएगा कि वह विधेयक हूबहू जो था उसे राज्यसभा ने पारित कर दिया, 14 दिन से ज्यादा का समय लगा तो। आगे हम बात करें अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा में राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। यह राज्यसभा के पास केवल पावर है, यह लोकसभा के पास पावर नहीं है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित की जा सकती है, यह भी केवल केवल राज्यसभा का पावर है। देखिए नोट संबंधी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पर सभी नोट्स के संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने के लिए भी, सभी लोग इसे ध्यान से पढ़े कि नई अखिल भारतीय सेवा को भी स्थापित करने के लिए यहां पर जो केवल पावर दिया गया है वह पावर केवल केवल राज्यसभा को है। आप चाहते इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो एक टॉपिक छोटा सा आता है लोकसभा, वैसे मैं इसी में पढ़ रहा हूं, वैसे मैं चाह रहा था कि लोकसभा की अलग से वीडियो बनाऊं सेपरेट, लेकिन मैं यहीं पे पढ़ा के आपका टॉपिक खत्म कर दूंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान, मैंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है।
लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यह 550 हो गई है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, 543 अधिकतम 7 तो 550। दो आंग्ल भारतीय जो थे, दो आंग्ल भारतीय, इन्हें अब खत्म कर दिया गया, इसलिए इसको आप लोग 550 कर लीजिएगा। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह समुदाय अधिकतम 2 प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है, लेकिन इसे 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब अधिकतम संख्या कितनी हो गई है, 550। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर ही होता है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग रख सकते हैं, बाकी आप सभी की मर्जी। अगला आपके सामने लोकसभा के सदस्यों की अर्हताएं, मैंने लोकसभा के सदस्य की क्या क्या अर्हताएं होगी। देखिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की लगभग भी यही है, तो यहां पर देखते हैं, वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या मुख्यमंत्री बनने के लिए भी प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष रखी गई है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जो लोकसभा की अवधि होती है यह 5 वर्ष की अवधि होती है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपने देखा होगा आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं, अर्थात यह इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी लोकसभा का भंग किया जा सकता, विघटित हो सकती, लेकिन जो राज्यसभा है वह एक अस्थायी सदन है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, यह टॉपिक हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले सेशन में भी पढ़ लिया था। अगर मैं आगे चलूं और आगे मैं बात करूं तो हमने देखा लोकसभा के पदाधिकारी, कुछ लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष की अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कई बार सवाल आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके सामने शपथ ग्रहण करता, किसी के सामने शपथ नहीं ग्रहण करता, वह सामान्य लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, अलग से कोई शपथ ग्रहण नहीं करता, यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। लोकसभा में मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यदि लोकसभा मतभेद की अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, यदि लोकसभा मतभेद की अवस्था में जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, माने जब अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण की तरह पढ़ लीजिएगा, यहां से सवाल परीक्षा में आते हैं, स्क्रीनशॉट करते चलेगा और बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। किसी प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निहरता पर फैसला करे। लोकसभा में बैठक के लिए गण पूर्ति, ध्यान दीजिए गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 होता है, 1/10 होता है, गण पूर्ति ध्यान दीजिएगा 1/10 होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो 55 सदस्य, ठीक है, 55 सदस्य जिसे हम कोरम कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं कोरम और हिंदी में क्या कहते हैं गण पूर्ति कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। यह हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रोटेम स्पीकर ने नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है, माने जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वह नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाते हैं, इसका पद उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, इसके बाद इनका जो पद होता है यह स्वतः क्या होता है समाप्त हो जाता है। आप इस पेज की भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है लोकसभा महासचिव को चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। महासचिव प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई का संचालन करता है। आइए बात करते हैं लोकसभा की शक्तियां और लोकसभा के भी कार्य।
अगर हम बात करें लोकसभा की, तो सभी प्रकार की विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। सभी प्रकार की विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 तथा वित्त विधेयक एक मतलब वित्त विधेयक प्रकार एक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगर बात करें धन विधेयक जो है तथा वित्त विधेयक का प्रकार सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, मतलब धन से संबंधित कोई विधेयक हो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत, और वित्त विधेयक का प्रकार एक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध स्थिति होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण था, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर सभी मामलों में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव, जो लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो आप चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ा और देख रहे थे। आगे अगर हम बात करें संसद में नेता, तो संसद के नेता का अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है, परंतु प्रधानमंत्री सदन का नेता के रूप में किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, संसद नेता कोई उल्लेख नहीं, लेकिन संसद के नेता के अभिप्राय मतलब प्रधानमंत्री से ही होता है, परंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है। सदन के नियमों संविधान में उल्लेख है। सदन के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना जरूरी है, माने 1/10 जितना गणपूर्ति है उतना ही विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 सदस्य का भी होना अनिवार्य है, और जो ताकत लोकसभा अध्यक्ष को होती है उतना ही पावर लगभग विपक्ष के नेता की भी होती है। लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप होता है, चाहे वह सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो, व्हिप जारी करते हैं, मतलब कि किसको मतदान करने हैं। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन में सहायक नेता के रूप में की जाती है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में है न संसद के नियम में भी है, तो याद रखिएगा संसद में नेता संबंधित जो नियम था वह यहां पर हमने बता दिया। आगे अगर हम बात करें संसद के सत्र, शुरुआत में मैंने चर्चा किया था संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसद के पास किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के सत्र को राष्ट्रपति समय समय पर आहत करता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित करता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा है तो निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें लेम डक कहलाते हैं। शुरुआत में भी मैंने आप लोग को बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्थगन द्वारा सदन कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए निलंबित किया जाता है। सदन स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है, जैसे लोकसभा का, लोकसभा की, राज्यसभा की, राज्यसभा की। स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, संसद सत्र को नहीं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संसद किसी भी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। विघटन सदन को समाप्त कर देता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं लोकसभा विघटन के 2 कारण हो सकते हैं, यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, दूसरा यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय ले ले। यह स्थिति प्रायः आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है, ठीक है, तब उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा विघटित करने का निर्णय ले सकता है, वो राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की परामर्श पर भी वो भंग कर सकता है।
विधेयक प्रस्ताव की बात करें तो विधेयक प्रस्ताव कानून में देखा जाए तो दो विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक होता है, दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता है। अगर जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है उन्हें हम सरकारी विधेयक कहते हैं, धन विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, धन संशोधन विधेयक हो गया। लेकिन संसद का अन्य कोई सदस्य अगर कोई विधेयक पेश करता है उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसमें साधारण विधेयक आते हैं और संविधान संशोधन प्राय वही विधेयक पारित होते हैं जो सरकारी विधेयक होते हैं। इसके लिए भी हम किसी सेपरेट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आगे ब्रिटेन के विधेयकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इस पर हम लोग पढ़ लेते हैं। लोकसभा के ब्रिटेन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के ब्रिटेन से समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा से शुरू होता है और राज्यसभा में ही लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता वह विधेयक समाप्त नहीं होते। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसे विधेयक को लोकसभा ब्रिटेन के पश्चात समाप्त नहीं होते, यह जानते रहेगा। ऐसे विधेयक पर संसद के दोनों सदनों को गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो तो लोकसभा के ब्रिटेन पर विधेयक समाप्त नहीं होते, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करूं विधेयक के प्रकार। साधारण विधेयक, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 369। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, मैंने संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। यदि दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है या धन मतलब यह विधेयक दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और राज्यसभा में केवल सुझाव के लिए जाता है। विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, यह भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बजट पारित करने की प्रक्रिया, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, आम बजट, विभागीय समितियों की जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक को पारित होना, वित्त विधेयक का पारित होना। बजट में व्यय का वर्गीकरण, इसके संबंध में सदन में केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वेतन भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। भारत के संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, सदन में चर्चा का भी की जा सकती है, इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी होता है। विभिन्न प्रकार की निधियां, भारत की संचित निधि, इसका उल्लेख 266 में दिया गया है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। भारत का लोक लेखा, माने इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। सामान्यतः इसका संबंध बैंक जमा राशि, बचत, भविष्य निधि जमा राशि आदि से होता है। भारत की आकस्मिक निधि, जिसका जिक्र 267 में है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है संसदीय समितियां। भारत में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां भी अस्तित्व में आई थी। इसमें अस्थाई समितियां में देखा जाए तो इसमें लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है, लोक उपक्रम समिति है, अनुसूचित जाति और जनजाति समितियों है, कार्य मंत्रालय समिति है, विशेषाधिकार समिति है और विभागीय समितियां हैं। अस्थाई तथा तदर्थ समितियां, किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समितियों का निर्माण किया जाता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तो समिति समाप्त हो जाती है। समितियां और सलाहकार समितियां प्रमुख अस्थाई समितियां। अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो यह भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। इस समिति का अध्यक्ष कोई विपक्षी दल का नेता चुना जाता है जिसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें प्राकलन समिति, तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राकलन समिति का गठन किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 30 हो सकती है जो लोकसभा से ही होते हैं। इसे अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकार को वित्तीय कामकाज से संबंधित जिसका प्रमुख कार्य वार्षिक अनुदान की जांच करना होता है। अगला है लोक उपक्रम समिति। इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्णन मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है जिसमें 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। प्रत्येक समितियों के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अगला है विभागीय स्थायी समितियां। इस प्रकार की समितियां में कुल 24 सदस्य होते हैं। प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं।
इस प्रकार समितियों की संख्या कुल 24 है, याद रखिएगा। प्रत्येक विभागीय समितियों के अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, 21 मनोनय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और 10 का मनोनय राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। कुल 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत, 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 और 8 और 21 का मनोनय लोकसभा और 10 का मनोनय राज्यसभा के द्वारा होता है, यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, संसद में कुछ प्रस्ताव होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन, निंदा, ध्यानाकर्षण और धन्यवाद, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती, इनके बारे में भी हम लोग एक एक करके किसी एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आप इसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही टेलीग्राम पर आप दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेशर जरूर जुड़ेगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेशर। और आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं है क्या तो लाइक जरूर करके रखिएगा। नोट संबंधित कोई भी जानकारी हो के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं नोट संबंधित। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी चल रहा है, ये वीडियो यूलानी में दुर्गेश के ऐप पर भी होगा। मेरी क्लासे निःशुल्क देशित में राशित में आप सभी के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन, एक नए क्लास के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।